जय श्री राम भक्तों भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है या अभी नहीं इस टॉपिक पर हम बात करेंगे भक्तों, भगवान अवतार कब लेते हैं गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अध्याय चार के श्लोक नंबर सात और आठ में यदा यदा ही धर्मस्य से भारत अभ्युथान धर्मस्य तदात्मा सृजामीतराणाय साधु नाम विनाशा च दुष्कृता धर्मस्थापनाय राय भवामी युगे युगे अर्थात भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ मैं साधु पुरुषों का उदार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ इस समय पृथ्वी पर ऐसा समय शायद अभी नहीं आया है इसीलिए भगवान ने अवतार नहीं लिया है अगर ऐसा समय आ गया होता तो भगवान जरूर अवतार लिए ले लिए होते हैं अभी तक कलयुग में जैसा कुछ होना चाहिए अभी तक उससे कुछ अधिक नहीं हुआ है भगवान के अन्य अवतारों के समय जैसे अत्याचार बढ़ा था धर्म और धर्म प्राण ऋषियों की जैसी दुर्दशा हुई थी वैसी अभी नहीं हुई है भगवान श्री रामचंद्र के समय में तो राक्षसों के द्वारा मारे हुए ऋषियों के हड्डियों के ढेर लग गए थे तो उस समय भगवान राम ने अवतार लिया था उन ऋषियों को उन साधुओं को बचाने के लिए और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि साधुओं को बचाने के लिए उनका उद्धार करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ युग युग में मैं प्रकट होता हूँ तो अभी धर्म कर्म बाकी है कलयुग में अभी कुछ धर्मात्मा लोग हैं जब पूरी तरह से ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि सब तरह हाहाकार मच जाता है और कोई भी धर्म की बात करने वाला नहीं रह जाता है तो उस समय भगवान को प्रकट होना पड़ता है कलयुग में अभी तक ऐसा समय उपस्थित हुआ जान नहीं पड़ता कि जिससे भगवान को अवतार लेना पड़े और भगवान यूँ से ऐसा अवतार लिया भी नहीं करते पहले तो वे अपने कारक पुरुषों को अपना अधिकार सौंप कर भेजते हैं जैसे मालिक अपने किसी खास व्यक्ति को अपना बिजनेस संभालने के लिए अपनी दुकान संभालने के लिए भेजता है पर जब वह देखता है कि उस आदमी से वह कार्य सिद्ध नहीं होगा मेरे स्वयं किए बिना काम नहीं चलेगा तब वह स्वयं जाता है इसी प्रकार जब कारक पुरुषों के भेजे भेज देने पर भी भगवान को अपने अवतार लेने की आवश्यकता महसूस होती है तब वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कारक पुरुष उन्हें कहते हैं कि जो भगवत कृपा से अपने पुरुषार्थ द्वारा भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा कर्म से अग्रसर होते हुए अंत में भगवान के सत्य लोक को पहुँचते हैं ऐसा भगवान ने गीता के अध्याय आठ के श्लोक नंबर चौबीस में कहा है इस लोक में जाने वाले महात्माओं का स्वागत करने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर सामने आते हैं और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ भगवान के उस परम धाम ले जाते हैं तो भक्तों अभी वो समय नहीं आया है कि भगवान अवतार अवतार लें जब समय आएगा तो भगवान जरूर अवतरित होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जय श्री राम भक्त